न्यूमेरिकल नंबर 5.2। इस न्यूमेरिकल में हमें बताया गया है कि एक ग्रामोफोन है, उसकी टर्न टेबल शुरू में रेस्ट में है, यानी कि वो टर्न टेबल अभी घूम नहीं रही, तो उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगी जीरो। लेकिन 1.6 सेकंड के बाद जो टर्न टेबल है उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो से हो जाती है 45 रेवोल्यूशन पर मिनट। आपने एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। ग्रामोफोन पुराने जमाने में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है, आप गूगल पे उसको चेक कर सकते हैं। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम। फाइनल जो है वो है 45 रेवोल्यूशन पर मिनट में। वेलोसिटी जो है इसका यूनिट होना चाहिए रेडियन पर सेकंड, तो रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करें। एक जो रेवोल्यूशन है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, तो रेवोल्यूशन की जगह लिख देंगे 2 पाई रेडियन, और एक मिनट जो है वो 60 सेकंड के इक्वल होता है, तो उसकी जगह लिख देंगे 60 सेकंड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4.7 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ गई 4.7, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो थी, टाइम है 1.6। तो जब आप इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 2.95। जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, साथ में लिख देंगे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन।